नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस पूरे कार्यकाल को किस तरह देखते हैं और आप इसको कितने नंबर देंगे? देखिए, आंकड़ों के पैमाने पे तो इस सरकार को नापना मुश्किल है, फिर भी हमने एक सर्वेक्षण भी किया है वेब दुनिया पर, उसमें हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि जनता ने अभी पूरी तरह से सरकार के 2 साल के कार्यकाल को सफल नहीं माना है और पूरे अंक नहीं दिए हैं। जो हमारे पास प्रतिक्रिया लोगों की सर्वेक्षण के माध्यम से आई है, तो उसमें से 10 में से 6 नंबर इस सरकार को लोगों की प्रतिक्रिया के हिसाब से दिए जा सकते हैं। 3-4 बड़े मोर्चे हैं जिन पर सरकार को लेकर नाराजी है जनता के दिमाग में। महंगाई के मोर्चे पर लोगों को लगता है कि सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब महंगाई के वार तो अभी भी जारी है। महंगाई कोई बहुत कम, बीच में कुछ समय दाम कम हुए थे, लेकिन अब तो लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, बेरोजगारी को लेकर लोगों में नाराजी है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हर साल तैयार करने का जो सरकार का वादा था, तो आप देखिए कि 20-25 लाख, 30 लाख से ज्यादा नौकरियां आंकड़ों के मुताबिक नहीं हो पाई हैं। तीसरा बड़ा जो है कि आपने गंगा सफाई का अभियान बड़े जोर शोर से लिया, अलग से मंत्रालय बनाया, उसमें एक अलग से मंत्री रखी आपने, और उसके बावजूद भी गंगा सफाई को लेकर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है सरकार। तो कुल मिलाकर 2 साल जो है, क्योंकि जब पिछले साल बात हो रही थी तब ये था कि 1 साल बहुत कम होता है, सरकार नई है, अभी शुरुआत है, अभी तो योजनाओं को कागज पर उतारने में समय लगेगा, कागज से उतरकर जमीन में जाने में और समय लगेगा, तो उस वक्त ये माना जा सकता था 2 साल। लेकिन एक ऐसा वक्फा है, ऐसा समय है जिसमें हम कुछ चीजों पर तो ये मान सकते हैं कि जमीनी हकीकत दिखाई देनी चाहिए थी योजनाओं की, लेकिन मोदी सरकार उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। अभी आगे 3 साल का सफर और बाकी है, देखते हैं कि यहां से कहां तक पहुंच पाती है सरकार। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस सरकार ने लोगों में उम्मीदें जगाई हैं, जबकि पिछली सरकार घपलों और घोटालों की सरकार थी। इस सरकार ने उम्मीदें जगाई नहीं, इस सरकार से उम्मीदें हैं, इसीलिए इसको चुना गया है। लोग कांग्रेस की सरकार से, यूपीए की सरकार से बहुत नाउम्मीद थे। कोयला घोटाला, 2G का घोटाला, और उसके बाद कॉमनवेल्थ खेलों का घोटाला, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, ये सारे घोटालों ने एक तरीके से कांग्रेस की सरकार को के किले को ढहा दिया, निस्तानाबूद किया, उसके ताबूत में खिलन ठुकती चली गई, और हम देखते हैं कि कांग्रेस का क्या हश्र है। अब उम्मीद आपने ये जगाई थी कि ये सब हम खत्म कर देंगे, हम दूर कर देंगे। मोदी जी कहा करते थे कि 5 साल के लिए मुझे चौकीदार बना दीजिए देश का, और फिर देखिए मैं चौकीदारी करूंगा जनता के। तो अब वो वादों को, उन उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है अमित शाह जी। अब उम्मीदों को जगाने का वक्त नहीं है, अब उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है। इन दो बातों में बड़ा अंतर है। उम्मीदें तो आपने जगाई थी जब आपने चुनाव का कैंपेन चलाया था, अब उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है। यह भी है कि 2 साल में सारी उम्मीदें पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन अगर लगेगा कि मंजिल की तरफ जो हमारा सफर है वो सही है, तो निश्चित तौर पर लोगों की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। अगर लगेगा कि सफर की दिशा ही गलत है, गाड़ी की रफ्तार धीमी है, तो फिर नाउम्मीदी बढ़ती चली जाएगी लोगों में। क्या आपको लगता है कि आते बजट में, क्योंकि आते साल यूपी जैसे बड़े राज्य का चुनाव होना है, कुछ लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है केंद्र सरकार? देखिए, ये एक और बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ लगातार चुनाव होते ही रहते हैं। आप देखिए, पिछले 2 सालों में भी लगातार महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं, असम के, केरल के, बंगाल के। तो दिक्कत ये है कि चुनावों को देखते हुए अगर सारी नीतियां केवल चुनाव आधारित होने लग जाए, तो सरकार कभी भी कठोर कदम उठाकर, कड़े निर्णय लेकर, नीति आधारित निर्णय लेकर काम नहीं कर पाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के चुनाव देश में हमेशा मायने रखते हैं। अभी यूं तो देखा जाए, राज्य सभा में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, उसके आधार पर सारे ही राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना भारतीय जनता पार्टी देखती है, उसमें जरूरी है कि सभी राज्यों में भी उनकी सरकार हो। असम और केरल में भले ही कांग्रेस की हार हुई हो, लेकिन हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, केवल असम में उनकी सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में हमने देखा कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बरकरार है, वहां अन्नाद्रमुक आई है, यहां पर तृणमूल कांग्रेस आई है, केरल में वाम मोर्चे की सरकार आ गई है, पांडिचेरी में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी लंबा सफर है, खासतौर पर दिल्ली और बिहार की जो बुरी तरह की हार हुई है, उसको देखते हुए राज्यों के चुनाव उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत अहमियत रखेंगे। और केंद्र की नीतियां, इसमें कोई शक नहीं है कि इन राज्यों में ज्यादा वोट जुगाड़ने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम अगर मंत्रिमंडल की भी बात करें, तो मोदी का ही वन मैन शो नजर आता है। ये आप मान सकते हैं कि इस सरकार की एक बड़ी कमजोरी है। जहां इस सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो अमित शाह भी गिना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी गिना रहे हैं, उन्होंने जो सहारनपुर में रैली की 2 साल पूरे होने पर 26 मई को उसमें कहा कि सबसे बड़ी बात यह कि कोई घोटाले की दिखी, लेकिन घोटाले की खबर कोई तुरंत सामने नहीं आती है।
अभी सब मंत्रालय योजनाएं बना रहे हैं, योजनाओं पर अमल करें, उस योजनाओं में जो पैसा स्वीकृत होगा उसके बाद कभी जांच होगी तो पता लगेगा कि वो स्वीकृति सही ढंग से हुई कि नहीं, अपने लोगों को उपकृत तो नहीं किया गया। कांग्रेस के जो यूपीए 1 के घोटाले थे वो यूपीए 2 के समय सामने आए थे, यूपीए 2 में जो घोटाले हुए थे वो तुरंत सामने नहीं आ पाए थे। तो वो भी अगर हम माने तो सबसे बड़ा योगदान तो सीएजी जो है विनोद राय, उनकी एक खुद की निजी मेहनत थी कि उन्होंने इस तरीके से बारीकी से जांच की, कागजों की और घोटालों को सामने लाया, ये किसी और की मेहनत नहीं थी, तो सीएजी विनोद राय की मेहनत थी जो ये सारे घोटाले सामने आए। आज आपकी सरकार को केवल 2 साल हुए, 1.5 साल तो आपने कागज बनाने में लगाए, कागज बन जाने से तो घोटाले नहीं हो जाते, जब उन कागजों पर जो आवंटन होना है वो पैसे का आवंटन होगा, किसको मिला, फिर जिसको मिला उसने काम किया कि नहीं किया, वो काम किस तरीके से हुआ, तब जाकर हमको पता लगेगा कि सरकार की जो ये उपलब्धि मान रही है सरकार की, हमने कोई घोटाला नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो कितना सच है ये आज नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए दावा तब तक किया जा सकता है जब तक इस तरह का कोई तथ्य हमारे सामने नहीं है, उसमें कोई हर्जा नहीं है, आप बिल्कुल सीना तान कर कह सकते हैं कोई आरोप नहीं है, लेकिन इस आरोप को पूरी तरह सच मान लेना जल्दबाजी होगी। हम ये नहीं मान रहे कि घोटाले होंगे ही, लेकिन अगर वक्त के साथ कुछ चीजें सामने आती हैं तो वो भी लोगों के सामने रखी जाएंगी। दूसरा जो आपने कहा कि बड़ी कमजोरी है कि जो त्रिवेणी कहा गया लगातार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली की, और उसके गिर्द ही सरकार घूमी है, कहीं कहीं अरुण जेटली भी कमजोर होते हुए नजर आए हैं, तो ऐसा लगा है कि नरेंद्र मोदी जी का वन मैन शो चल रहा है। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और इसकी तरह के जो अन्य मंत्री, नितिन गडकरी, ये बड़े मजबूत कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े पदों को इन्होंने संभाला है। गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, सुषमा स्वराज के रूप में इतनी मजबूत नेता है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरे अन्य कार्यों को देखते हुए लंबा अनुभव रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे मंत्री कमजोर और हाशिए पर खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री का पद ज्यादा बड़ा हो गया है, नियंत्रण रखने की दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बड़े नामों का उपयोग आप उस तरीके से नहीं कर पाए और वो केवल आपके लिए सूची बनकर रह जाए तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं। सरकार को आते 3 सालों में किन विषयों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि जमीन जो पर जो काम होना है वो होना है सबसे बड़ा काम खेती किसानी की दृष्टि से। 2 साल लगातार वर्षा अच्छी नहीं हुई है और इस वजह से किसानों की स्थिति जमीन पर बहुत खराब है। किसानों की स्थिति सुधारना इस सरकार का सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। सूखे का जो संकट है, पीने के पानी का संकट है, उम्मीद करें कि इस साल मानसून ठीक होगा, लेकिन केवल मानसून के ठीक हो जाने से जमीनी हकीकत नहीं बदल पाएगी। दूसरा, अर्थव्यवस्था का मोर्चा है, हम देख रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं रघुराम राजन, उनके बीच में और सरकार के बीच में लगातार तनातनी बनी हुई है। कभी अरुण जेटली उनके ऊपर प्रहार करते हैं, कभी जो वित्त मंत्री अगर किसी रिजर्व बैंक के गवर्नर के बारे में राय रख रहा है वो जो कि सकारात्मक नहीं है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अभी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार रघुराम राजन पर प्रहार कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था में विकास की दर को बनाए रखना, जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण में रखना, ये बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ रोजगार का निर्माण करना, युवाओं को, जिनको सबसे ज्यादा इस सरकार से उम्मीदें हैं और सबसे ज्यादा सरकार को जीतने के पीछे वो युवा जिन्होंने अपने परिवार की जो पार्टी के प्रति निष्ठा है किसी एक, वो ना देखते हुए केवल मोदी जी को देखा और मोदी जी में विश्वास करते हुए, तो उनके वोटर हैं वो युवा, और उन युवाओं को जब रोजगार नहीं मिलेगा वो हताश हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती चली जाएंगी। तीसरा बड़ा मोर्चा आंतरिक समन्वय का है। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को यह बताना पड़ेगा कि वो एक सबको साथ लेकर, सभी मंत्रियों को, नेताओं को साथ में लेकर एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, और जहां से कहीं कहीं साध्वी प्राची या फिर योगी आदित्यनाथ जैसी आवाजें उठती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को भी कमजोर करती है, एनडीए को भी कमजोर करती है, और अगर सभी जगह केवल मोदी जी दिखाई देंगे तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। ये तीसरा बड़ा मोर्चा होगा जिस पर इस सरकार को अगले 3 सालों में काम करना होगा। चौथा बड़ा मोर्चा जो है, जिसमें उनको ये देखना होगा कि लगातार जो सरकार पर प्रहार हुए, हम 2 साल पर देखें, विकास मुद्दा नहीं बना, ये विपक्ष की भी कमजोरी है। जैसे हम सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, हमको विपक्ष का भी रिपोर्ट कार्ड 2 साल का देखना चाहिए। 2 साल में संसद में लगातार हंगामा हुआ, आखिरी जो सत्र है संसद का केवल वो ऐसा सत्र था जो बिना किसी विघ्न के निपटा, लेकिन हंगामा हुआ तो मुद्दे कौन से उठे? अगर नेशनल हेराल्ड का केस बड़ा हुआ तो कांग्रेस ने संसद ठप कर दी, जब उनका व्यक्तिगत हित ताक पर रखा हुआ था तो उस वजह से व्यक्तिगत हित की लड़ाई उन्होंने संसद में एक राजनीतिक लड़ाई बनाकर लड़ी, लेकिन इसके अलावा कौन से मुद्दों को विपक्ष ने और मीडिया ने लगातार हवा दी है? आप देखिए कि 2 सालों में जो मुद्दे सबसे ज्यादा मीडिया में छाए रहे हुए, दादरी, मालदा, रोहित वेमुला, असहिष्णुता, जेएनयू,
क्या ये मुद्दे देश के विकास को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं? इनमें से कोई मुद्दा देश के विकास से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, रोजगार से जुड़ा हुआ नहीं है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है। विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाया है कि कुछ कारोबारियों को प्रश्रय देकर सरकार उनके ही धंधे को आगे बढ़ा रही है। एक ताजा आंकड़ा जो सामने आया है, जिन कारोबारियों के नाम लगातार विपक्ष लेता है, उसके मुताबिक तो पिछले 2 साल में उन कारोबारियों की संपत्ति घटी है। मुझे लगता है कि केवल जुमलेबाजी में भरोसा रखने के बजाय विपक्ष को अधिक सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए और मुद्दों के आधार पर सरकार पर प्रहार करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।